हेलो बच्चों एंड वेलकम टू ईटूज इंडिया। आज आप लोगों के लिए सीबीएसई ने बहुत बड़ी अपडेट जो है वो दी है, और जो अपडेट है वो ये है कि टर्म टू के एग्जाम का जो सैम्पल पेपर है और जो मार्किंग स्कीम है वो पूरी तरह से अब आउट कर दी गई है। तो फाइनली हमारे पास में टर्म टू का पेपर कैसा होगा, उसका पैटर्न का आइडिया हो गया है, कितने मार्क्स का होगा, क्या उसका टाइम ड्यूरेशन होगा, ये सब आइडिया अब हमको हो गया। और साथ ही पेपर का जो पैटर्न है उस पैटर्न के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाने वाले हैं इसका भी पूरा पूरा आइडिया अब हमें दे दिया गया है। ऑल्दो द डेट्स आर स्टिल नॉट डिसाइडेड, तो वो डिसाइड करने में अभी टाइम है, पर हाँ ये बात के ऊपर क्लैरिफिकेशन आ गया है कि टर्म टू का एग्जाम होगा। तो जो भी बच्चे ऐसा सोच रहे थे कि इस बार भी बिना एग्जाम दिया अपन लोग पास होने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो प्लीज़ अपनी अपनी कमर जो है उसको कस लीजिए, जिससे कि अब एग्जाम की पूरी तैयारी आप लोग कर सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा होने वाला है। और इसके लिए सीबीएसई ने एक वेबसाइट दी आप लोगों को, विच इज cbseacademics.nic.in। इस वाली वेबसाइट के ऊपर जैसे ही आप लोग जाते हैं सीबीएसई अकेडमिक के ऊपर, तो आप लोगों को ऐसे कई सब्जेक्ट्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम जो है वो मिलती है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर आपको टर्म वन से रिलेटेड जो बेटा सैम्पल पेपर और मार्किंग स्कीम थी वो दिख रही है। इसके बाद में अगर हम लोग नीचे बढ़ते जाएंगे तो हमें हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, किसी का कॉमर्स है, किसी का अप्लाइड मैथमेटिक्स है, वॉट एवर इट इज। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग बायो का ही पेपर जो है वो देख लेते हैं। तो पहले जब हमने बायो का सैंपल क्वेश्चन पेपर देखा तो वो कैसा दिख रहा था, आइए जरा इसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो क्लास 12th बायोलॉजी का टर्म टू, बड़े हो जाओ थोड़े से, तुम नहीं हो ना बड़ा, अच्छा यहाँ से हो जाओ, चलो ठीक है, बड़े होने में इतना नाटक कर रहे हो, चलो। तो बेटा देखिए, मैक्सिमम मार्क्स जो है ना वो अब आपके एग्जाम के अंदर 35 होने वाले हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो जो 70 मार्क्स का आप लोगों का पेपर हुआ करता था, इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 35 मार्क्स। 70 मार्क्स के पेपर में आपको 3 घंटे मिला करते थे, और अब जो आपका पेपर है जो 35 मार्क्स का हो गया है उसमें आप लोगों को 2 घंटे मिलने वाले हैं। तो मतलब फ़ायदा है, बेसिकली अगर हम आधे पेपर के हिसाब से चलें तो 1.5 घंटा ही मिलना चाहिए था, बट आप लोगों को यहाँ पर टाइम जो है वो भी 2 घंटे मिल रहा है, मतलब कि टाइम जो है वो आधा घंटा आपके पास में ज़्यादा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो भी आधे कर दिए गए हैं, और हम लोग जब देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस हैं तो आप लोगों को पूरा आइडिया इसमें हो जाएगा। अब देखिए, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। बायो के एग्जाम की अगर हम बात करें तो बायो के पेपर में ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन आपको बोला गया है कि यहाँ पर 3 सेक्शन होंगे, और जो 3 सेक्शन हैं उसके अंदर आपको बोला गया कि सेक्शन ए के अंदर 6 क्वेश्चंस हैं जिनमें 2 मार्क्स हैं, सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस हैं जो 3 मार्क्स के हैं, और सेक्शन सी जो है उसमें एक केस बेस्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर 5 नंबर आप लोग स्कोर कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ओवरऑल चॉइस आप लोगों को पेपर में ना देके इंटरनल चॉइस जो है वो क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को गिवन है, और ये आप लोगों का जो पेपर है वो आपके सामने है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग क्या पेपर है। देखो मैं तो ये सब समझता नहीं हूँ, कंपाउंड केमिकल स्ट्रक्चर, इसमें क्या केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी डाल दिया, पर खैर होगा बायो का ही है ना। हाँ, ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सीवेज डिस्चार्ज पॉइंट ये सब चीज़ें तो मेरे को थोड़ी बहुत पता है, इकोलॉजिस्ट क्या होता है ये भी मैं जानता हूँ, डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में कुछ पता है मेरे को, हाउ डू नॉर्मल सेल्स गेट ट्रांसफॉर्म मैं नहीं जानता, रिकग्निशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स नहीं जानता, पैथोलॉजिकल लैब ये मैं जानता हूँ, इविल क्वार्टेट के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये बंदर भालू जैसा क्या दिख रहा है यहाँ पे, कुछ तो दिख रहा है मैं नहीं जानता, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं बायो का जो पेपर है वो आप लोगों के सामने है। सेक्शन सी के अंदर आप लोगों से 4 और 5 सवाल जो है वो पूरे पूछ रखे हैं, यानी एक एक मार्क का एक एक क्वेश्चन जो है वो आपका मौजूद है। तो ये आप लोगों को बेटा एक बढ़िया सा पेपर जो है वो दिया हुआ है, जिसको आप लोग सॉल्व आराम से करके एक बार खुद से देखना अगर आप लोगों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आशा करता हूँ कि अब तक आपके सीबीएसई के सिलेबस वगैरह तो खत्म हो ही गए होंगे। 35 मार्क्स का पेपर, 2 घंटे का टाइम, ये तो हो गया बायो। बायो के अलावा अगर हम लोग बात करें, और चलो मैं अपना सब्जेक्ट आपको दिखाता हूँ, लेट मी शो यू फिजिक्स। फिजिक्स 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 वाले भैया कहाँ हो तुम, आ जाओ भाई, ये रहे, ये देख बेटा फिजिक्स आ गया, फिजिक्स फिजिक्स का सैंपल क्वेश्चन पेपर। अब देखो इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना वो बायो के पेपर में कितने थे, देखो बायो के पेपर में हमारे पास में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो 13 थे, 3 सेक्शंस एंड 13 क्वेश्चंस। कैन यू सी द क्वेश्चन पेपर इज 3 सेक्शंस एंड 13 क्वेश्चंस, पर वहीं जब हम लोगों ने फिजिक्स का पेपर देखा तो फिजिक्स के पेपर में 12 सवाल दिए हुए हैं। फिजिक्स के पेपर में 12 सवाल हैं, सभी सवाल कंपलसरी हैं, ए बी सी सेक्शन के अंदर बांटा गया है, सेक्शन ए में 3 सवाल हैं 2 नंबर के, सेक्शन बी में 8 सवाल हैं 3 नंबर के, और सेक्शन सी में केस स्टडी बेस्ड 5 सवाल 5 नंबर के।
ठीक है, इस तरह से वापस से क्वेश्चन को यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया। अब तुम लोग ये चीज देख लो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सबके अंदर सेम मिले। हो सकता है बायो में 13 क्वेश्चन की जगह 14 या 15 सवाल भी आ जाएं, हो सकता है फिजिक्स के अंदर 12 की जगह 14 15 सवाल भी आ जाएं। तो वॉट एवर इज, मतलब हाउ एवर बी द पेपर, आप लोगों को पेपर का जो तरीका है वो सॉल्व करना आना चाहिए, बस अपना पॉइंट यही है। और ये लोग जो है पेपर के अंदर मिक्स एंड मैच करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर ये शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, डायग्रामेटिकल अनसीन पैसेज टाइप, है ना, क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन 4-5 ऑन सम इन्फॉर्मेशन, और उसके ऊपर ही 4-5 क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए, जैसे आप लोग इंग्लिश का पेपर करते आते हैं अनसीन पैसेजेस वगैरह। तो एक बहुत अच्छा बैलेंस पेपर बनाने की कोशिश जो है वो आप लोगों के साथ में कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बैलेंस पेपर में देखो फिजिक्स का क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर का पहला क्वेश्चन, वाओ। अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि बचे हुए सिलेबस से ही क्वेश्चन आएगा, इससे पहले जो आपका सिलेबस हो गया टर्म वन में, अब उससे कोई क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है। अब जो चैप्टर्स आपके बचते हैं उसमें क्या आता है, ऑप्टिक्स आता है, वेव ऑप्टिक्स आता है, मॉडर्न फिजिक्स आती है, सेमीकंडक्टर्स आता है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन आता है। अब इन्हीं वाले चैप्टर से आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं वो बनेंगे, और सारे के सारे चैप्टर जो हैं वो बड़े आसान आसान से हैं। तो आशा करूंगा कि सब लोग टर्म टू के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पर हाँ, ये सोच के मत बैठना प्लीज़ कि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो इस बार भी कैंसिल होंगे। सरकार इस बार पूरी तरह से इस मोड में है कि वो एग्ज़ाम कराए। तो आपके पास में पहला क्वेश्चन सेमीकंडक्टर का है, फिर मॉडर्न फिजिक्स का है बोर मॉडल के ऊपर, और इसमें इंटरनल चॉइस दे दी गई है, फिर एक डिवाइस पूछ लिया गया है जो इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन को चेंज करता है, सब थ्योरी के अंदर आपको मिलता है सेमीकंडक्टर्स में, जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। एक्सप्रेशन निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का, एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना है, रेक्टिफायर का सवाल है, हाउ लॉन्ग कैन इलेक्ट्रिक क्लैंप ऑफ 100 वॉट बी कैप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूजन। देखो इक्वेशन क्लास में क्यों हुई है, फ्यूजन का सवाल हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। वेव फ्रंट डिफाइन करना है, वाओ देखो सब चीजें पता है, रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप पता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन, वेरी गुड, 1+D/F वाला बहुत बढ़िया, ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर द फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, सब बनाया हुआ है सब। तो ये सब चीजें आपने क्यों है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम, मेटल वर्क फंक्शन दे रखा है 4.2 लो, काइनेटिक एनर्जी हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोकल लेंथ बहुत बढ़िया, सब आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन पूछे गए हैं, YDSE में स्लिट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, और फिर केस स्टडी में आप लोगों को मिराज के बारे में जो क्वेश्चन है बेटा वो दे दिया है, जो डेजर्ट्स के अंदर बनता है, बहुत बढ़िया से हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, ये सब वही है, सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कहानी है। और इस पर बेटा बेस्ड आप लोगों को 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप दे दिए गए हैं, जो कि अगेन बहुत आसान है, हम लोगों ने सब क्लास के अंदर किया हुआ है। तो आप लोग बहुत इजीली देख सकते हैं कि पेपर जो है वो किस लेवल का है और किस लेवल की आप लोगों ने तैयारी जो है वो कर रखी है। हमारा जो साथ में बेटा CBSE टर्म 2 का कोर्स है, अब आप लोग उस वाले कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो तैयारी आपकी उस कोर्स में करवाई गई है वो इस वाले पेपर को बिना देखे ही इसकी तरह की करवा दी गई थी। तो आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को किस कोर्स को ऑप्ट करना है और क्या तैयारी करनी है, तो यू कैन वेरी वेल सी कि क्या अपडेट्स हैं और क्या क्या चीज़ें अब आप लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और क्या आपको E2s इंडिया का जो कोर्स है, जो टर्म 2 CBSE के लिए बना हुआ है, वो किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो अभी के अभी नीचे दिए गए फॉर्म को भरें और हमारी हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करें, जिससे कि आप लोग हमारा जो कोर्स है उसको बाय कर सकें और टर्म 2 के अंदर पूरी जी जान के साथ में उतर चुके हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी लोग हम लोगों के साथ में जुड़ेंगे, और मिलते हैं आपसे वापस, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।